हेलो हेलो हेलो, क्या हाल हैं? चलो हम ले लेते हैं प्रसाद। ये हैं चुलकाना धाम की गलियां। इन गलियों से गुजरते हुए हम रास्तों को क्रॉस करके जाएंगे बाबा श्याम के मंदिर। सब जगह ऐसा लग रहा है जैसे मेला हो। और ये गलियां कुछ तो ब्रिज गलियों की याद दिला रही है वृंदावन की। और ये सामने आ गया प्रवेश द्वार। चलो अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम प्रवेश करेंगे अंदर। ये जो गेट के ऊपर जो द्वार है उसके ऊपर जो दो मूर्ति देख रहे हैं उसमें एक कृष्ण जी हैं एक बर्बरीक हैं। और मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। बर्बरीक हैं, उनको वरदान मिला था कि वो कलयुग में श्याम जी के नाम से पूजे जाएंगे। और इन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। और इनकी माता जी ने इनसे एक वचन लिया था कि ये सिर्फ हारे हुए जो हारने वाले होंगे उनका साथ देंगे। अब जब ये चीज़ कृष्ण जी ने देखी तो उन्होंने युद्ध का रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि युद्ध कौरव और पांडव के बीच में था तो हारने वाले कौरव थे और बाबा श्याम कौरव का साथ देने वाले थे, तो रिजल्ट के लिए कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का रूप लिया। बाबा श्याम युद्ध में 3 तीर लेकर आए हुए थे। ये देखकर कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका मजाक बनाया और बाबा श्याम ने बोला मैं 3 तीर से पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। और इस युद्ध के लिए तो एक ही तीर काफी है। कृष्ण जी ने उनसे बोला कि ये जो पीपल का पेड़ है इसके सारे पत्ते भेद के दिखाओ एक तीर से। कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा लिया। बाबा श्याम ने सारे पत्ते भेद दिए एक तीर से और आखिर में आके वो जो तीर है बाबा श्याम का जो तीर था वो कृष्ण जी के पैर के पास आके घूमने लगा। तो उन्होंने बोला कि अपना पांव हटा लीजिए ताकि ये तीर उस पत्ते को भी भेज सके। कृष्ण जी जो ब्राह्मण के रूप में आए थे उनको पता लगा कि श्याम जी कौरवों का साथ देने वाले हैं, तो उन्होंने दान के रूप में उनका सिर मांग लिया और श्याम बाबा ने अपना सिर देने के लिए मान गए। और उन्होंने ये बोला कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने उनके सिर को सबसे सम्मानित जगह पर स्थापित किया था कि वो युद्ध देख सके। और तब से इनको हारे का सहारा बोला जाता है। जय श्री श्याम। यह है श्री श्याम कुंड। लेकिन किस पीपल देवता के हर ये पीपल के पेड़ के हर पत्ते में सुराग है। जैसा कि आपने सुना इस पीपल के हर पत्ते में एक सुराग है, वो इस वजह से है क्योंकि जो बाण चलाया था
वो बाण हर पत्ते को छेदते हुए गया था। और ये हम पहुंच गए पार्किंग, ये सामने लेफ्ट में पार्किंग है जहां से हमने प्रसाद लिया था। अब हम चलते हैं वापस घर की ओर। हेलो अगेन, हेलो हेलो। उल्टा कर दूं एक बारी? Thank you.